भाई इतना कमेंट्स आ रहे हैं कि एलिफेंट बेबी लाना है, कब लाना है यार बताओ तो सही। एलिफेंट बेबी? हाँ तो और क्या, ध्यान से भाई एलिफेंट बेबी का हो गया क्या बंदोबस्त? तो यार आज मौसम की समझ नहीं आ रही, सुबह से बादल आया हुआ, सूरज निकला ही नहीं है, हम इंतजार कर करके थक गए हैं। खैर मुझे लगता है कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही होने वाला है, सूरज निकलना ही नहीं है। ठंड की वजह से यार हमने अपने टाइगर को यहाँ से हटा दिया, हालांकि दिन में हमारा टाइगर इधर ही होता था, रात को रूम में डाल देते, लेकिन आज हमने क्या किया है, दिन में ही हमने टाइगर को उस रूम में बंद किया हुआ है हीटर चला के। बकरियों को भी आज ठंड लगी हुई है, अजीब अजीब आवाजें निकाल रही है, लेकिन ये और वो इन दोनों को ठंड नहीं लग रही क्योंकि इनके ऊपर पहले से ही चद्दर पहनी हुई है इन्होंने। यार ये वूल है ना जो इनका, जिनसे हमारे कपड़े बनते हैं, इन्होंने पहले से ही कपड़े पहने हुए हैं, कुदरत ने इनको ना कपड़े पहले से पहनाए हुए हैं, तो इनको ठंड कम लग रही होगी। बाकी यार कई दिनों से ना कमेंट बॉक्स में एलिफेंट बेबी लगा हुआ है, वोट फॉर एलिफेंट बेबी, इतना ज्यादा कमेंट्स आए हुए हैं, हम पढ़ पढ़ के पागल हो गए भाई, हम क्या जवाब दें, कैसे बताएं आपको, क्या करें। तो यार मैंने तुराब को डिस्कस करना है, अभी जाके तुराब को भी बताता हूँ भाई कमेंट्स की इतनी भरमार आई हुई है, एलिफेंट बेबी का क्या करना है, क्या सोचा हुआ है, एलिफेंट कब लाना है, एलिफेंट बेबी लाना है कि नहीं लाना, कहाँ से लाना है। तो तुराब आते हैं अभी, उससे मैं पूछता हूँ कि भाई क्या सोचा हुआ है तुमने। ये हमारे रेबिट्स क्या खा रहे हैं यार आज, इस तरह का घास उन्होंने आज तक नहीं खाया, अजीब सा घास है, सूखा सूखा है। तुम्हें पसंद आ रहा है क्या घास ये वाला? मुझे नहीं लगता तुम्हें अच्छा लग रहा हो, दिखने में तो अच्छा नहीं लग रहा। खैर तुम्हें अगर अच्छा लग रहा है तो तुम खा सकते हो, मैं तुम्हें रोकने वाला नहीं हूँ, जो तुम्हारा दिल करे खा सकते हो। आ जाओ आ जाओ। सर्दी आज तो सूरज ही नहीं निकला सिप्पी। सूरज नहीं निकला, मेरी बात सुनो, इधर आओ। क्या है भाई इतना कमेंट्स आ रहे हैं कि एलिफेंट बेबी लाना है, कब लाना है यार बताओ तो सही। एलिफेंट बेबी? हाँ तो और क्या, दिमाग ठीक है तुम्हारा, कहाँ से लेंगे एलिफेंट बेबी? पहली बात तो ये हमें इजाजत नहीं मिलनी गवर्नमेंट से भाई, एलिफेंट बेबी ऐसे एलिफेंट ऐसे आ जाएगा मार्केट से, ले मिल जाएगा क्यों नहीं मिल सकता, बाकी चीजें मिल सकती हैं, टाइगर मिल सकता है, लायन मिल सकता है, हिरन मिल सकती है, पूरे पाकिस्तान में एलिफेंट कितने हैं पता है तुम्हें? अभी तो एक भी नहीं है। एक थी वो भी मर गई, उसका नाम पता नहीं नूर जहां था शाह जहां था क्या था, वो बेचारी मर गई यार। नहीं है पूरे पाकिस्तान में एलिफेंट नहीं है, हमारे मिनी जू में एलिफेंट है। वो जो कमेंट्स कर रहे हैं फिर क्या करें, इतना पढ़े हैं तुमने, मुझे भी हंसी आ रही थी यार। वोट फॉर बेबी एलिफेंट वायरल हो गया ये तो कमेंट बॉक्स में। हाँ यार बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं ना, इसलिए हमने कहा इस पे आपको बताते हैं कि हम क्या सोचा है हमने। तुराब अपना बताएगा, मुझे भी थोड़ा थोड़ा आइडिया था कि एलिफेंट बेबी लाना पॉसिबल नहीं है, पर तुराब शायद कहीं से लेके आ जाए, बताओ कहीं से लेके। पॉसिबल नहीं है, एक तो हमारा जू होता फुल बड़ा ऐसे कोई एकड़ों में होता ना, फिर हमारा मैनेज हो सकता था, वो भी किसी से इजाजत लेके ये वो बातचीत करके, लेकिन पॉसिबल नहीं है इधर तो, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, लिहाजा कमेंट करना बंद कर दें, वोट फॉर बेबी एलिफेंट नहीं पॉसिबल, नहीं पॉसिबल। मैं लेके आऊं कहीं से? लेके आओ घर, लेके टॉय लेके आ जाता हूँ फिर। यार यही करते हैं फिर, एक नकली एलिफेंट लेके आते हैं, बस वो हिलता रहेगा, वोट फॉर बेबी एलिफेंट कहता रहेगा क्या बात है, कोई सुन ले हमारी बात और हमारे पास एलिफेंट बेबी आ जाए। वैसे यार अगर कोई ला के लेके आ सकता है ना एलिफेंट बेबी हमें बताना, फिर हम हमें अगर कोई गिफ्ट देना चाहते थे तो यार हाँ। हम एक्सेप्ट कर लेंगे बेबी एलिफेंट अगर आपसे होता है कुछ। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है यार एलिफेंट लाना, पाकिस्तान में नहीं है, एक तो पाकिस्तान में हो नहीं सकता एलिफेंट्स, कभी जंगलों में भी नहीं मिल सकते, पाकिस्तान में जंगल तो है नहीं वैसे, पाकिस्तान में भाई वाइल्ड एलिफेंट भी नहीं है भाई, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं हो सकता, नामुमकिन है। चलो यार कोई और वोट करें, कुछ किसी और एनिमल का करें, फिर देखेंगे क्या पता वो हम कहीं से लेके आ जाए, एलिफेंट लाना तो अभी पॉसिबल नहीं है, मे बी इन फ्यूचर कभी ऐसा हो जाए पॉसिबल तो वो यार हम जाएंगे ना बाहर हाँ। तो वहां से ले लेंगे उठा के लेंगे, नहीं है हमने कहाँ हाँ। पर होते हैं, कौन सी कंट्री में? अफ्रीका में होते हैं, अफ्रीका में भी होते हैं और दूसरा श्रीलंका में भी होते हैं, एलिफेंट के ऊपर सवारी करेंगे ये वो फलाना, सही है सही, वहीं से एलिफेंट पे बैठ के आएंगे पाकिस्तान में, फिर आएगा एलिफेंट, ऐसे नहीं आने वाला। सिप्तैन यार लाइट्स तो ऑन कर दो, अंधेरा अंधेरा है सारा दिन, ऐसे रहे यार माहौल, यार देखें यार आज बादल ही खत्म नहीं हो रहे, देखें काले बादल आए हुए हैं, और उधर हमारा टाइगर बेचारा सर्दी में है, हीटर तो चलाया हुआ है हमने लेकिन फिर भी उसको आज हम यहाँ पर नहीं लेकर आए थे क्योंकि आज थी ठंड, सूरज बिल्कुल नहीं निकला था तो वो अंदर ही है रूम में, तो चलो यार अपने टाइगर के पास चलते हैं ना, आ जाओ चलो। आए हाय हाय हाय, फुल गर्मी गर्मी है, मजे में रह रहे भाई तुम तो, हम ठंड में तुम गर्मी में हैं, तुम्हारे मजे हैं भाई। यार हमारा टाइगर बिल्कुल रिलैक्स है, ध्यान से ध्यान से भाई एलिफेंट बेबी का हो गया क्या बंदोबस्त? दिमाग ठीक है बताओ क्या है,
मैंने थोड़ा सा मजाक किया, मैंने कहा यार तुम्हें थोड़ा सा खुश कर लूं। मुझे पता था कुछ भी नहीं होना, इसको जरा तुम आग छाक करो, इसके साथ खेलो, इसको अब दूध भी पिलाना है सिप्तेन, और इसको कीमा भी खिलाना है, वो थोड़ी देर तक खिला देंगे। सही है यार, आज मैं आपको बता दूं, आज ना टाइगर ने हमें थोड़ा सा परेशान किया है। थोड़ा परेशान इसलिए किया है कि यार ये खाना पीना छोड़ गया तकरीबन, सुबह इसने नहीं खाया था, दोपहर में थोड़ा सा इसको मैंने चखाया था, फिर मैंने डॉक्टर से बात की थी, डॉक्टर ने बोला था इसको थोड़ी सी मेडिसिन दो, और मैं आपको दिखा दूं मैंने क्या क्या दिया इसको। ये देखें यार, ये हमारे टाइगर की मेडिसिन रखी हुई है, ये फ्लेजल सिरप, और ये है नोविडेट, और ये देखें इंजेक्शन के जरिए मैंने पिलाया था, और टेम्परेचर भी मैंने चेक किया था इसका, टेम्परेचर नॉर्मल था, बस इसको थोड़ा सा ना मसला था पेट का, लेकिन मेडिसिन देने के बाद इसका पेट फुल खुल गया भाई, स्टूल पास किया होता इसमें वो, फिर हमें तसल्ली हो गई, अब हमारा टाइगर काफी रिलैक्स है, अब इसको थोड़ी देर तक खाना देंगे, अभी इसको छोड़ देते हैं, टेंशन वाली बात नहीं, हाँ अब ठीक है, अभी हम ना इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। यार लाइट तो ऑन करो, अंधेरा अंधेरा क्या हुआ यार, अब सही है, कोई हाल नहीं सिर्फ तुम्हारा। तो अभी दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ एलिफेंट्स, आप कह रहे थे ना कि वोट फॉर बेबी एलिफेंट, तो ये देखें बेबी एलिफेंट्स आपके सामने है, बिग एलिफेंट्स भी आपके सामने है, तो अब आपने हमें नहीं कहना कि वोट फॉर बेबी एलिफेंट क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से ही अपना दिल खुश कर ले आप। सिद्धांत कैसा लग रहा है भाई, जबरदस्त ऐसे लग रहा है, कूद जाओ इसके अंदर, चले जाओ, वैसे अगर एलिफेंट मिल जाए ना हमें बड़ा मजा आएगा यार। सही बात है, तो आज तो पता ही नहीं चला दिन का, अब रात भी हो गई है, हम इंतजार करते रहे सूरज का, लेकिन भाई सूरज आज निकला, बाकी कल आई होप के सूरज निकलेगा, क्योंकि जब सूरज निकलते तो हमारे जानवर, हमारे परिंदे जो भी हैं, मतलब सब रिलैक्स रहते हैं सूरज के आने की वजह से, क्योंकि उनको हीट मिलती रहती है। थोड़ी देर के अंदर गई और गाबा को भी हम बकरियों के साथ बंद करके ऊपर से ऐसे कवर कर देंगे सारे जानवरों को, ताकि उनको ठंड ना लगे, रात को ठंडी हवा चलती है। ये भी ठंड की वजह से ना सूंघड़े हुए हैं एक जगह पर, कोने में खड़े हुए हैं, अभी तिरपाल लगाता हूँ मैं। हाँ भाई तुम लोग तो बिल्कुल सही बैठे हो, अंदर सेफ्टी रूम में हो, ये तरपाल लेने आए हो मैं, ठीक है, इससे बकरियां हमारी सेफ रहेंगी, अंदर ही रहो, बाहर नहीं आना आप तुम लोगों ने, सुबह आना। तेरा तरपाल लगाने से पहले मैंने सोचा यार इधर आग लगा देते हैं थोड़ी सी, ताकि यार जो ठंड है ना ज्यादा उसकी शिद्दत कम हो जाएगी थोड़ी सी, तो मैंने लकड़ियां जमा की हुई हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आग लगाते हैं भाई। भाई बकरी हट जाओ, तुम्हारे लिए आग लगाई है भाई, ताकि अंदर हीट हो जाए, अंदर इसके पास नहीं आना बस तुम लोगों ने, ये घास नहीं है खाने, लग जाना तुम। यार हमारी सारी बकरियां ना आग की तरफ आ गई, या तो ये हीट लेने आई या समझ रही है खाने की चीज़ इसको खाना है, तो देखते हैं क्या करते हैं, मैं हटा लूंगा अगर ये ज्यादा करीब आएंगे, बाकी इनको भी आइडिया हो ही जाएगा कि भाई इसके करीब नहीं आना, हीट है, हटो 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 हटो। यार अभी हमने ना आग लगा दी है पूरे अपने मिनी जू को गर्म करने के लिए, देख रहे हैं हमारी बकरियां, बकरियों का घर, सॉरी गोट फार्म, गोट फार्म को गर्म करने के लिए, देखें कितना अच्छी फील आ रही है सिप्तान, ऐसे रोज लगाया करेंगे थोड़ा बाग अच्छा रहेगा, लेकिन जब गाय अंदर चली जाती है ना सिप्तान फिर हीट अप हो जाता है कमरा, अभी थोड़ा सा कर देते हैं क्योंकि गीली गीली थी ना जगह, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये सही रहेगा, बेहतरीन है। हाँ ना बकरियों, हम सुबह मिलेंगे आपसे, अब हम जा रहे हैं, बस हमें साथ रहना पड़ेगा, ये ना हो कि क्योंकि आग ऊपर जा सकती है, यहाँ पर आग लग सकती है, तो हमें साथ देखना पड़ता है, तो आप कुछ भी हो सकता है यार, इसलिए रहना पड़ता है। ये देखो ना थोड़ी सी यहाँ पे आग लगी, सारे गोट फार्म को आग। तो यार यहाँ पर तुरान बकरियों को खाना डाल रहे हैं, रात का खाना खाएंगे, सुबह सुकून से फिर इनको नाश्ता देंगे भाई, नहीं तो सारी रातें भौंकती रहेंगी, मतलब कि क्या करती हैं आवाज अपनी निकालती रहेंगी, खासतौर पर ये भेड़, ये बहुत आवाज निकालती है, तो इसलिए भाई इनको रात का खाना दे के सोएंगे। तो रात हो चुकी है दोस्तों, और कल हमारा मिनी जू का काम भी शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अभी दोस्तों हम जा रहे हैं अपने टाइगर के पास, वहां पर हम क्या करने वाले हैं, उसको गोश्त देंगे, दूध पिलाएंगे, ये थोड़ी देर तक देंगे हम उसके साथ, अभी खेलने के लिए जा रहे हैं। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और हमारे चैनल शहर में देहात को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। ये क्या कर रहे हो तुम, अच्छा ये सही है यहाँ पर, हाँ ये सही है भाई, अभी करता हूँ, ये देखो क्या करने में, ये देखो ये आया हुआ सब रखा हुआ था पीछे, ये देखो सही से करना, ऐसे नहीं होती, रहने दो मैं करता हूँ, छोड़ो छोड़ भाई छोड़, यार गलत कर रहे हो तुम यार, ऐसे करते हैं फिर ऐसे, ऐसे आता है करो करो।